हेलो, आज एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। और अब तक लगभग सबका 2019 को छोड़कर वायरलेस हो गया है, ठीक है। वायरलेस अपडेट हो चुका है, मतलब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। लेकिन अगर आपको चार्जिंग के लिए केबल लगानी पड़े तो क्या ही मज़ा। मतलब आपने वायरलेस प्रोजेक्शन तो कर लिया, लेकिन चार्जिंग के लिए तो आपको फिर भी केबल लगानी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने एक एक्सप्लोर किया है, ये मंगवाया है मैंने नया, ये फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया। वैसे तो मैं किसी का ऐड नहीं करूँगा इसके अंदर, आप कोई भी मंगवा सकते हो। ये वायरलेस चार्जर है, तो देखते हैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर क्या है और कैसे काम करता है, क्या कैसे रेटिंग है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपके सामने ही खोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये मंगवाया है। देखते हैं कि कैसा रहता है। ये 2000 रुपीज़ का मिल जाता है लगभग, किसी भी साइट से मंगवा सकते हो आप सिंपल गूगल में सर्च करो किया सेल्टोस वायरलेस चार्जर, तो कंपैटिबल जो भी होगा वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके में क्या क्या है मेरे को। और बाकी कईयों के पासवर्ड्स नहीं चल रहे थे, तो वो उसके लिए मैं ज़रूर न्यू फ्यूचर में वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अपडेट के बाद पासवर्ड चेंज हो गए हैं। तो ये देखो, ये काफ़ी पैकिंग तो अच्छी करी है इन्होंने। अंदर देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या है। आपके सामने ही खोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम, अभी तक मैंने लगा के भी नहीं देखा है इसको। बहुत सारी पैकिंग करी है इन्होंने। और बाकी जो यूवीओ की वीडियो है, यूवीओ में मॉड्यूल नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं से, क्योंकि टू जो यूएसए में ये सेम सेट आता है उसके अंदर, यूवीओ के अंदर आपको मतलब 8 इंच के अंदर ही यूवीओ मिलता है यूएसए के अंदर। आप वहाँ पे एस एक्स करके मॉडल्स आते हैं, एस एक्स है ना, एस ई, ये जो क्रेटा वाले मॉडल्स हैं वही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं है, ऑप्शन तो है, लेकिन हमारे इंडिया में ये देते नहीं है। तो ये देखो, ये निकला है इसके अंदर से 10 वॉट इंटेलिजेंट चार्जर है, 3.4 एम्पीयर चार्जर साथ में फ्री दिया है इन्होंने। ये कंपनी है GPX करके है, ठीक है। और बाकी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। इधर से ऐसे खुलेगा तो देखो, इसके अंदर ये इन्होंने 12 वोल्ट का अडाप्टर दिया है, इसके अंदर भी 2 USB पोर्ट्स दिए हैं, और साथ में ये आपका चार्जर है, आई थिंक मेन मॉड्यूल है। देखते हैं कैसा है, कैसे फिट रहता है, क्या नहीं है, जा कैसे चार्ज करता है, वो भी आपको दिखाएंगे कि चार्ज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये मैं गिव अवे देने वाला हूँ, अगर मेरे 50,000 अगर व्यू या 1,000 सब्सक्राइबर आते हैं तो मैं इसको गिव अवे कर दूंगा। तो आप मेरे को सब्सक्राइब करें। ये देखो ऐसा है, स्लीक सा डिज़ाइन है बिल्कुल ही। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्टोस के लिए है, बहुत अच्छा वाला लग रहा है मुझे तो, क्वालिटी वाइज तो ठीक ही लग रहा है। वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने डेट भी लिख के दी है कि ये किस डेट को आया है, कि कब तक वारंटी है। आई थिंक ये बनाया तो इन्होंने लोकली हुआ है, बट अच्छा है। चलो इसको लगा के देखते हैं अभी, ठीक है। और पहले तो मैं 12 वोल्ट सॉकेट के अंदर, वैसे इसको लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लगा रहा इसको, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ही 2 USB पोर्ट्स हैं, तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको इधर देखता हूँ फिट करके, देखो परफेक्टली फिट हो रहा है, मतलब आप देखो बिल्कुल ही 1 इंच का भी गैप नहीं है, मतलब कहीं पे भी आप देखो कि ऐसे नहीं लग रहा कि मैंने बाहर से कहीं से मंगवाया है या लगवाया है। और इसको आप जस्ट यहाँ पे आप लगा दो तो ये ऐसे वायरिंग आ रहा है। तो अभी इसके ऊपर बाकी ये है ऑन का है, ये चार्जिंग का है, ये आई थिंक किसी और चीज़ के लिए होगा, बाकी यहाँ पे है कंपेटिबल। अब देखते हैं ये चलता है, वर्क करता है कि नहीं करता है। ये मेरे पास iPhone 11 है, तो इसको रख के देखते हैं कि चार्ज करता भी है कि नहीं करता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, अभी देखो सिर्फ रेड लाइट जल रही है, तो मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ सिंपली, आई एम पुटिंग इट, तो ये चार्जिंग होने लग गया है 72% साथ ही लगाते हुए, ठीक है। दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ, तो आप अगर रखोगे दोबारा तो ये देखो डिटेक्ट हो जाता है, और अगर आपको दिखाऊं तो चार्जिंग का सिंबल भी आ रहा है, अगर आईफोन का आप देखोगे।
अब ये इशू ठीक है, वो चार्जिंग होने लग गया। ठीक है, दोबारा से अगर आपको मैं उठा के दिखाऊं, देखिए वो चार्जिंग हो ही रहा है, तब से चार्जिंग वाला सिंबल आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सही है क्योंकि पूरा ही वायरलेस हो जाएगा, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा और इसे मतलब आपका बढ़िया है। अब यहाँ पे रखिए फ़ोन, प्रोजेक्शन भी आपकी वायरलेस हो गया और चार्जिंग भी आपका वायरलेस हो गया, तो आपको कोई इशू नहीं है। और जो GTX में आता है ना, वो यहाँ आता है, तो यहाँ ना वैसे भी मज़ेदार नहीं है क्योंकि ये अंदर से हो जाता है, फ़ोन हाथ नहीं लगता। यहाँ पे आप मोस्टली फ़ोन यहीं रखते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डेप्थ में भी था, तो इसकी डेप्थ भी ठीक हो गई है। अभी देखोगे तो आप डेप्थ भी ठीक हो गई है इसकी, तो चार्जिंग का सिंबल आपका जगने लग जाएगा, जैसे आप इसको हटा लोगे तो ये हट जाता है। ठीक है, और वैसे रखोगे दोबारा, फिर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये बढ़िया है, मैं देखता हूँ। और अगर मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स होते हैं 1000 या फिर उसके अलावा व्यूज़, तो मैं इसको गिव अवे करने वाला हूँ, तो डेट्स ऑल। और बाकी जो भी है, कुछ लोगों के मतलब व्यूज़ थे कि वो पासवर्ड्स नहीं काम कर रहे हैं, वो उसके लिए मैं ज़रूर आपको हेल्प करता रहूँगा। और अगली वीडियो मैं आपकी यूट्यूब पे लेके आने वाला हूँ कि वायरलेस यूट्यूब कैसे चलानी है आपको। ठीक है, थैंक यू। ये मैंने ना काफ़ी चिर यूज़ किया है, लगभग एक दिन मैंने पूरा यूज़ किया, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। ये GFX करके है, क्योंकि ये चार्जिंग बीच में अपने आप थोड़ा सा भी फ़ोन हिलेगा तो छोड़ रहा है, ठीक है, और जैसे ही थोड़े से भी चेंज हो रहे हैं तो वो छोड़ देता है चार्जिंग। और प्लस मैं आपको दिखा नहीं सक रहा था, जैसे ही गाड़ी चल रही थी तो साथ ही साथ थोड़े बहुत ही हिलेगा तो चार्जिंग छोड़ रहा है। और प्लस ना चार्जिंग भी बहुत स्लो है, ये GFX करके है, लोकली बनाया हुआ लग रहा है, क्योंकि जैसे बल्ब के ऊपर लिखते हैं ना, ऐसे लिख के दिया किसी ने। तो ये इस ब्रांड को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये जरूर देख लें, कोई अच्छा ब्रांड मंगवाएं, क्योंकि काफ़ी सारे आते हैं इसमें किलो वगैरह। हाँ, जो भी आप मंगवाते हो तो रिटर्नेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएं। तो रिटर्नेबल पहले आप एक बार मंगवा के चेक करें, तो फिर ही इसको यूज़ करें। इसको तो बिल्कुल ना मंगवाएं, क्योंकि मैं इसको मतलब बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि क्या ही फ़ायदा हो उसका कि आपने रखा है और गाड़ी में बम्पर आया और आपका फ़ोन हिल गया। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कम से कम चार्जिंग पैड तो पूरा देना चाहिए इनको। और चार्जिंग भी स्लो है इसकी, लिखने के लिए तो इन्होंने लिखा हुआ है, देखो 9 वोल्ट 2 एम्पियर लिखा हुआ है और 10 वाट का चार्जर लिखा हुआ है, मैक्स 18 वाट इनपुट का। अब 10 वाट का चार्जर तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ये कह रहे हैं 70% एफिशिएंसी है, 70% तो 7 वाट का चार्जर होगा, 7 वाट का नॉर्मल ही होता है आईफोन का, तो लेकिन उससे भी कम है। ठीक है, मैं मिनिमम पे लेके चल रहा हूँ, इन्होंने 70 से 83 लिखा है, तो 70 से 83 मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रही है। और इसके आप दबा के भी देखोगे ना, यहाँ देखो गैप सा है, पता नहीं क्या इन्होंने अंदर डाला है, आई डोंट नो। यहाँ पे देखोगे आप ऐसे दब रहा है, जबकि मेरे पास एक आईफोन का भी है, मैं आपको दिखाता हूँ वो अभी। आईफोन का चार्जर है जो मतलब मेरा पहले का लिया हुआ है, अब का नहीं है, ठीक है, ये मैंने काफ़ी पहले लिया था जब 11 लॉन्च हुआ था तब का है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोल के, तो ये देखो ये ऐसा है, ठीक है, और दिस वन, और ये मेटल का बना हुआ है पूरा प्रॉपर, तो ये लग भी रहा है कि मतलब पूरा आपको बढ़िया वाला है, लेकिन ये इसकी हल्का सा है, कुछ नहीं है। तो अब मैं वैसे वो फिटिंग के लिए सही था, वैसे ये पड़ा था मेरे पास, मैं इसी को यूज़ करूँगा, तो उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी देख के ही मंगवाएं। ठीक है, थैंक यू।